किचन का स्लैब ढालते समय कुछ जानकारी होना चाहिए कि भाई वो कितना हाइट में रहेगा। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि भाई किचन का स्लैब का हाइट कितना देना है और कितना साइज का सिंक छोड़ना है और वहाँ जो आप देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डोर को लेकर के, इसका डोर का साइज़ क्या रहेगा। अगर हम डोर साइज़ 3 फीट 6 इंची लेकर चलते हैं तो 2.5 इंची 2.5 इंची इसका आपको डोर का चौखट आएगा, तो लमसम आपका जो है 3 फीट के आसपास ये ओपनिंग रहेगा। अगर वही अगर आप 3 फीट ले चलेंगे तो 2.5 फीट आपको ओपनिंग बचेगा। तो यहाँ पे 3 फीट मेरा ओपनिंग यहाँ से रहा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यहाँ का किचन का दरवाज़ा को लेकर के। अब यहाँ पर देख लेंगे ये स्लैब जो है प्लेटफॉर्म किचन का यहीं तक आया है और आपका यहाँ जो है नहीं ढलाई किया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। तो यहाँ पे आपको जो है फ्रीज, क्योंकि आप किचन में फ्रीज आपको रखना ही पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ पे फ्रीज यहाँ पे रखा जाएगा। अब फ्रीज के लिए कितना डिस्टेंस छोड़ना, ऐसे फ्रीज का साइज़ जो होता है 2 फीट से कम थोड़ा रहता है, लेकिन आप क्लियर ओपनिंग के लिए देखिए यहाँ पे ग्रुप है कॉलम का, इसे क्लियर ओपनिंग के लिए आप इसको जो है 3 फीट मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 फीट जगह छोड़ सकते हैं, 2.5 से 3 फीट काफ़ी है, कोई गेट भी ओपन होगा। तो एक ये हो गया, तो पूरा अगर ढाल देंगे तो फिर फ्रिज रखने का जगह नहीं बचेगा, फिर आपको यहाँ रखना पड़ेगा जो कि देखने में बहुत ख़राब लगेगा। ये आपका आराम से अंदर रहा और इतना इधर का स्लैब का ज़रूरत भी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं इसका प्लेटफॉर्म की हाइट को लेकर के। ठीक है, ऐसे जनरली क्या है कि हम लोग जब किचन, अगर आप देखेंगे यहाँ पर खिड़की का जो प्लिंथ लेवल देते हैं वो 3 फीट का हाइट में देते हैं, मतलब 36 इंची, लेकिन इसका जो पहले हम ईंट चिनाई करेंगे यहाँ तक 33 इंची तक ईंट चिनाई करेंगे, जिससे क्या कि 2.5 से 3 इंची मेरा थिकनेस हो जाएगा क्या चीज़ का, प्लेटफॉर्म का। तो ये भी एक्चुअली मेरा कितना हो गया 36 इंची, मतलब 3 फीट का हाइट ये मेरा मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप पहले से ही जो है जो अगर यहाँ देखेंगे 3 फीट ले लें, अभी इसके बराबर में दिख रहा होगा आपको, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ, यहाँ खिड़की के लिए जो हमने जो छोड़ा है 3 फीट का हाइट, अभी ये लेवल और ये लेवल बराबर दिख रहा होगा। ठीक है, वही अगर हम इसका भी ईट चिन्ना ईट वॉल हाइट पहले 3 फीट कर देते तब फिर जाके प्लेटफॉर्म बनाते तो 3 फीट 3 इंची हमें प्लेटफॉर्म ज़्यादा रहता, तो इसका थिकनेस 2.5 से 3 इंची हम लोग ले कर चलते हैं। अब इसमें इस प्लेटफॉर्म का रेनफोर्समेंट डिटेल की बात कर लेते हैं। रेनफोर्समेंट डिटेल जो रहेगा 10 mm का सरिया रहेगा, ठीक है, 6 इंची सेंटर और डिस्ट्रीब्यूशन 10 mm यहाँ से लेकर कैसे यहाँ से कट पीस यहाँ से कट पीस कवर ब्लॉक छोड़ करके, और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगा 8 mm का सरिया वो उस 10 mm का सरिया के नीचे लगते हुए जाएगा। उसी तरह जो है आपको, और ये स्लैब कहाँ शुरू होगा, ब्रिक जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से कुछ इस तरीके से आपको जो है सेंटरिंग कर लेना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और फिर सेंटरिंग करके सरिया बांधना है, फिर छत ढलाई कर देना। अब एक और चीज़ यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस सिंक की स्टैंडर्ड साइज़ की बात कर लेते हैं भाई, इसका साइज़ क्या होना चाहिए। अगर हम बात करें साइज़ की तो हाँ, इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं। तो यहाँ से पहले इस प्लेटफॉर्म की चौड़ाई 2 फीट रहता है, इस ब्रिक का फेस से इसको मिलाना नहीं है, ब्रिक फेस से, चाहे आपका 5 इंची का वाल पे हो चाहे आपका जो है 10 इंची के वाल पे हो, वहाँ से डिस्टेंस 2 फीट प्लेटफॉर्म रहा, इसको याद रखिएगा। थिकनेस 2.5 से 3 इंची और रेनफोर्समेंट 10 mm और 8 mm 6 इंची सेंटर का मेस बार रहेगा। अब सिंक की बात कर लेते हैं, सिंक यहाँ से यहाँ तक 18 इंची और यहाँ से यहाँ तक आपका 24 इंची का आपका सिंक रहा। ठीक है, ये हो गया आपका, तो सिंक एक ये रहा। और तो यहाँ पर अगर हम सिंक की साइज़ की बात कर रहे थे तब 18 इंची जो का जो चौड़ाई लेंगे वो इधर से लेंगे, क्योंकि ये तो आपका 24 इंची है
अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो फिर मेरा कुछ बचेगा ही नहीं। तो 18 इंच में से ये टोटल 24 इंच था, 18 में 3 इंच इधर गया, 3 इंच इधर स्पेस मिल गया हमको। तो ये आपका हो गया सिंक का साइज। ठीक, अब एक और चीज़, अब इसका खिड़की की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर किचन का खिड़की 3 फीट बाय 4 फीट का होता है, ये आपको ध्यान में लेकर चलना। और एक और चीज़ आपको ध्यान में देना है कि अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इस स्लैब में, तो ये जो पॉइंट छोड़ा गया ये किस लिए छोड़ा गया है कि भाई गैस पाइपलाइन, गैस सिलेंडर आपका यहाँ रहेगा, स्टोव आपका यहाँ रहेगा, उस वक्त एक होल छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर बाहर से लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि तो देखने में ख़राब दिखेगा। तो गैस पाइप आराम से सूख गया, आप यहाँ पर सिलेंडर नीचे रखे, ठीक है, नीचे सिलेंडर रहा, फिर आपका जो है ये स्टोव यहाँ पर रहा। तो ये सब चीज़ है जो कि अगर आप ये किचन बनाएंगे उस समय आपको ध्यान में लेके चलना है। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी तरह कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो सारा चीज़ का मैंने स्टैंडर्ड साइज बता दिया, और आप अपने घर के लिए क्या कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उससे बेनिफिट बस यही होता है जब जब सिविल इंजीनियर को नया वीडियो आप क्लिक आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।